नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरों को शामिल करेंगे, आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में आज की सुर्खियों में शामिल करेंगे। दिल्ली सरकार ने ओड इवन फॉर्मूला आदेश रद्द किया की खबर। मुंबई ट्रैफिक पुलिस का वायरल वीडियो की खबर। कारोबार जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एटीएम 4 साल में बेकार हो जाएंगे की खबर। रेस्टोरेंट मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलेगा की खबर। मनोरंजन जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे आज शोले के गब्बर सिंह का जन्मदिन है की खबर। खेलकूद की खबरों में हम शामिल करेंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं दिल्ली सरकार ने ओड इवन फॉर्मूला आदेश रद्द किया की खबर। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन स्वतंत्र कुमार ने ओड इवन फॉर्मूला को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था और साथ में कहा था कि इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब पर ओड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ओड इवन फॉर्मूला में महिलाओं और टू व्हीलर्स को भी छूट देने की बात कह रही है। इसके पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त बसें नहीं है। अगले आदेश तक 13 से 17 नवंबर को लागू होने वाला ओड इवन फॉर्मूला रद्द कर दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है मुंबई ट्रैफिक पुलिस का वायरल वीडियो की खबर। मुंबई ट्रैफिक पुलिस और बच्चे की मां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी कार को उठा लिया है जिस कार में पीछे की सीट पर बैठी महिला अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को दूध पिला रही थी। वहां खड़े लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से कहा कि कार के अंदर महिला है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ। इस घटना का एक शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। वीडियो के वायरल होते ही ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। आप भी इस वायरल वीडियो को देख सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई, और कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एटीएम 4 साल में बेकार हो जाएंगे की खबर। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सैटरडे को डेबिट क्रेडिट और एटीएम को लेकर कहा है कि भारत देश में जिस तरह मोबाइल का यूज बढ़ रहा है, 25 से 40 साल तक के यूजर पैसों का लेन देन मोबाइल वॉलेट से करते हैं। यह देखकर लग रहा है कि अगले 4 साल में डेबिट क्रेडिट और एटीएम से लेन देन करना बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में बंद ही हो जाए। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है रेस्टोरेंट मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलेगा की खबर। एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर जीएसटी टैक्स रेट 5% कर दिया है। पहले एसी रेस्टोरेंट पर 18% जीएसटी टैक्स और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12% जीएसटी टैक्स लगता था, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट मालिक खुश नहीं है। इसका कारण है कि सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को वापस ले लिया है। सरकार कह रही है कि रेस्टोरेंट मालिक कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं देते हैं। इस कारण रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि जो खाने का बिल है वो और भी महंगा हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई, और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं आज शोले के गब्बर सिंह का जन्मदिन है की खबर। आज अमजद खान का जन्मदिन है। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को पेशावर में हुआ था। अमजद खान का जन्म का नाम अमजद जकारिया खान था। अमजद खान की मृत्यु 27 जुलाई 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। अमजद खान 1956 से लेकर 1992 तक फिल्मों में एक्टिव रहे हैं। नाजनीन 1951 मूवी से फिल्मों में डेब्यू किया था।
1975 में शोले फिल्म के लिए गब्बर सिंह का रोल किया था। आज भी गब्बर सिंह के एक एक डायलॉग सभी को मुंह जबानी याद है। हम आपको यह बताएं, अमजद खान ने 1972 में शेला खान के साथ शादी की थी। इस शादी से अमजद खान के दो बेटे शादाब खान और सीमाब खान और एक बेटी अहलम खान है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर आ रही है खेलकूद की खबर, और खेलकूद की खबरों में हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच ओनली टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज इस टेस्ट मैच का लास्ट डे है। हम आपको बताते हैं रिजल्ट डे 4 के बारे में। इंग्लैंड वुमेन ट्रायल बाय 125 रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वुमेन। अब हम आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताते हैं। इंग्लैंड वुमेन ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 280 रन बनाए 10 विकेट खोकर 116 ओवर के अंदर। वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई वुमेन ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 448 रन बनाए 9 विकेट खोकर 166 ओवर के अंदर। वहीं पर इंग्लैंड वुमेन ने अपनी दूसरी पारी में खेलते हुए 43 रन बना लिए हैं 0 विकेट खोकर और 19 ओवर के अंदर। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। आज पाकिस्तान वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। यह मैच शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम शारजाह में खेला जा रहा है। यह मैच सुबह 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यह है हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।